दरअसल पूरा प्रकरण थाना उत्तर के महिला जिला अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां एक महिला की डिलीवरी होनी थी, खून कम था। डॉक्टरों ने खून के यूनिट का इंतजाम करने को बोला था। किसी तरह तीमारदारों ने खून की व्यवस्था की, तब तक एक बच्चा महिला ने जन्मा जिसकी मौत हो गई। परिजन मृत बच्चे के अंतिम संस्कार में लग गए और अस्पताल कर्मियों से महिला को ब्लड चढ़ाने के लिए भी कहा। मृतक महिला के परिजनों का कहना है, कई बार कहने के बाद भी किसी ने महिला को ब्लड नहीं चढ़ाया, जिसके चलते देर रात महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। और पल भर में जिस घर में सुबह तक लोग नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनकी तैयारियां खुशियों पर ग्रहण लग गया और दो लोगों के मौत के बाद परिवार सदमे में आ गया। इतना ही नहीं, परिजनों को पुलिस के बेरुखी से भी दो चार होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। क्या नाम है आपका और यहाँ कौन एडमिट थी, कौन सी जगह है, कौन सा हॉस्पिटल है? ये सौसैया हॉस्पिटल बोलते हैं। मैं सुबह 11 बजे लेके आया था अपनी वाइफ को। क्या नाम है डिलीवरी के लिए? मेरा नाम बंटी है जी। मेरी बीबी का नाम फरजाना है जी। क्या नाम है? मैं इन लोगों ने क्या 6:30 पॉइंट खून है, इनके ब्लड चढ़ाएगा, तो मैं ब्लड निकलवाने के लिए ब्लड बैंक गया और फिर वहाँ से क्या ब्लड लेके आया, तो इन लोगों ने कहा कि आधे घंटे के लिए गर्म करने के लिए रख लो। अच्छा। तो इन लोगों की लापरवाही की वजह से मुझे क्या नाम बाहर निकाल दिया गया बार बार। क्या नाम है, 1.5 घंटे के बाद फिर मैं अंदर आया, मैंने मैडम देखना तो उन्होंने चेक करके कहा तो कहने लगी कि दोबारा रख जाओ वहाँ पे ब्लड, तुम्हारी बीबी की फीवर आ गया है। अच्छा। तो बाद में चढ़ाएगा, तो वहाँ पे मैं ब्लड जमा करने के लिए गया, उन लोगों ने मेरे साथ में बदतमीजी करी, गाली गलौज दिया। फिर मैं दोबारा इनके पास आया तो यहाँ भी मैंने इन लोगों से बदतमीजी करी थी। फिर क्या हुआ? और फिर उसके बाद में क्या नाम है, मेरी बीबी के लोग कह लगे कैसा है, आप अपनी बीबी को यहाँ पे लिख के दे दो, तुम अपनी बीबी को अपनी मर्जी से घर ले जा रहे हो। अच्छा। मैं बाहर गया, मेरी बीबी के दर्द चालू हो गए। फिर मैं अंदर आया, अंदर आकर मेरी बीबी के बेटा हुआ, उसको भी क्या नाम है, मेरा लड़का खत्म हुआ। अच्छा। 7:10 पे मेरा बेटा खत्म हो गया था। और क्या नाम है, फिर मेरी बीबी के घबराहट चालू हो गई। मैं अपने बेटे का दफीना करके घर से जब वापस आया तो मेरी बीबी के घबराहट चालू हो गई। फिर कहने लगी चाह ब्लड लेके आया जो तुमने हमें ब्लड दिया है। तो मैं ब्लड लेके आया, ब्लड लेने के बाद फिर भी मैं ब्लड रखा रहा। फिर मैं 2 दिन के बाद दिखाने के लिए गया तो कहने लगे अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मेरी बीबी के जब वो ड्रिप चढ़ रही थी तो मेरी बीबी के वो ड्रिप खत्म हो गई, तो क्या नाम है, इन्हें बुलाने के लिए गया तो लोग ये कहने लगे कि जाओ अभी हमने नहीं निकाले, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जाओ अपने हाथ से निकाल लो। फिर मेरी बीबी की घबराहट ज़्यादा हो गई, उसमें मेरी बीबी का डेथ हो गया। तो क्या मानते हैं कि लापरवाही की वजह रही है? हाँ, ये सब डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से है। और क्या नाम है, अगर हम गरीब आदमी हैं, मैं छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बताइए हम कहाँ क्या करें। अब ब्लड था आपके पास? हाँ, ब्लड था, ब्लड मेरे पास जाएगा, अभी भी रखा हुआ है। ब्लड नहीं चढ़ाया? ब्लड नहीं चढ़ाया। लोगों कोई स्टाफ नहीं आया, ना कोई स्टाफ नहीं आया, ना कोई डॉक्टर आया, मतलब दोनों की मौत हो गई है ना। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ क्या नाम है, इन लोगों की लापरवाही की वजह से इन लोगों को क्या नाम है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इनकी नौकरी छीन ली जाए। कहाँ के रहने वाले? मैं कोटले महल्ले का रहने वाला हूँ, लंबी गली मकान नंबर 85। मेरे बाप का नाम अब्दुल गनी है, थाना दक्षिण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद पाली खान। कौन है आपकी? जी, मैं मेरी भाभी है। हाँ। मैं इनका देवर हूँ। हाँ। हमने प्रशासन को बुलाया था, हमने उनसे कंप्लेन करी तो वो कहते हैं कि आप दंगिया ही हैं, हम अपनी बात भी नहीं कह सकते, हमारा मरीज मर गया वो हमसे दंगिया ही कह रहे हैं। बताइए, हम इस चीज़ के लिए भी दंगा करेंगे? हम कैंसर के मरीज हैं तो इस हालत में भी हम दंगिया ही करेंगे? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, प्रशासन पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है, हमें आतंकवादी कह रही है, बताइए हम आतंकवादी हैं? अभी क्या हुआ है? अभी ये हमारी भाभी ख़त्म हो गई। हाँ। तो हम दफीना हो रहा था, हमारे भतीजे का छोटा जिनकी डिलीवरी हुई थी ना अंदर। हाँ। तो उनके दफीने करने गए थे हम, वहाँ दफीना जो करने गए थे वहाँ से खबर आती है, छोटा वहाँ भतीजा रुका था, वो कहता चाचा कि हालांकि तबीयत खराब हो गई है, आप जल्द से जल्द आ जाओ, हम पानी भी नहीं पी पाए, तुरंत भग के आए, तो यहाँ पर जब तक खेल हो चुका है। दोनों की मौत, मृत्यु हो गई? दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब क्या चाहते हैं हम? ये चाहते हैं सख्त से सख्त इनके संग कार्रवाई होना चाहिए। हॉस्पिटल की लापरवाही? हाँ, हॉस्पिटल की लापरवाही है, इसके तहत के दूसरे पे कोई ऐसी वो नहीं आ पाए।